डेवलपमेंट आपने करी है। अभी हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन पे जो कमेटी बनी है, उन्होंने प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें सारे स्टेक होल्डर से बात की गई है, उस पर इलेक्शन कमीशन की सर क्या राय है और कब तक हम इस देश में एक साथ इलेक्शन देख सकते हैं? देखिए, जो इलेक्शन कंडक्ट होता है उसके लिए संविधान में एक प्रावधान है। संविधान में आर्टिकल 83(2) ये प्रिस्क्राइब करता है कि असेंबली और पार्लियामेंट का जो कार्यकाल होगा वो 5 साल का होगा, और सेक्शन 14 ऑफ द आरपी एक्ट 1951 में एक क्लॉज है कि जो असेंबली के खत्म होने का समय है उससे 6 महीने पहले आपको चुनाव कराना है, पार्लियामेंट का चुनाव कराना है। और इसी तरीके से सेक्शन 15 में एकदम मिरर इमेज है जो असेंबली के लिए है। तो अभी जब तक संविधान में ये आर्टिकल है और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट में ये दोनों प्रावधान है, जब तक हमारा काम उनके अनुसार इलेक्शन कराना है। तो जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन और आरपी एक्ट में अगर कोई परिवर्तन होता है तो हम उसके हिसाब से चुनाव कराएंगे, अभी हम इसके हिसाब से चुनाव करेंगे। तो फिर इस लोकसभा चुनाव के बाद हमें परिवर्तन देख सकते हैं, क्योंकि ये कमेटी की रिपोर्ट अब आ गई है, अब सरकार को ये तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की बात है, मतलब इसका इलेक्शन कमीशन से कोई वो नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होगा, जो एक्ट का प्रोविजन होगा, उसके अनुसार चुनाव कराएगा, हर स्थिति में चुनाव कराएगा। सर, आपके अनाउंसमेंट का जो है देश को इंतजार था, पार्टी को इंतजार था, और सारी तरफ से अच्छी रिएक्शन आ रहे हैं सारे, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, रीजनल पार्टी हो, सबने स्वागत करा है आपके अनाउंसमेंट का। लेकिन एक जगह से, जम्मू एंड कश्मीर से जो है ये आवाज आ रही है कि जहां देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, लेकिन यहां पर इस स्टेट असेंबली का चुनाव नहीं कराया गया। आपकी बात से मैं अगर कहूं तो सहमत हूं, मतलब वहां भी हमें असेंबली का इलेक्शन कराना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि दिसंबर 23 से हमारा लीगली चुनाव कराने का रास्ता खुला है असेंबली का। तो अभी तक तो मार्च ही है, अभी तक तो बर्फ ही है, अभी तक तो कुछ कराने का प्रश्न ही नहीं था। ये पहला मौका था हमारे पास जबकि हम 7 करा सकते थे। तो हम गए थे J&K में, और जैसे मैंने कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे कहा कि अब एक साथ कराइए, सबने कहा, मैं कोई इसमें, और हम मिलने ही पॉलिटिकल पार्टीज से गए थे तो उनकी बात सुनना हमारा मतलब काम भी था। उसके बाद जब हमने एडमिनिस्ट्रेटिवली मीटिंग्स की तो ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, ऑल ऑफिसर्स, ऑलमोस्ट जितने यूनैनिमस पॉलिटिकल पार्टीज थी उतने ही यूनैनिमस वो लोग थे कि एक साथ कराने में उन्हें वैसे इतनी दिक्कत नहीं है, बट उन्हें इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस की एडिशनल आवश्यकता होगी। तो जब पूरे देश में एक साथ चुनाव चल रहे हैं तो उस समय में उतनी एडिशनल फोर्सेस एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए दोबारा से इकट्ठी करने में थोड़ी कठिनाई आ रही थी। हम भी इसी इच्छा के थे कि एक ही बार में दोनों चुनाव हो जाएं, उसी बार में मशीन जाएं, उसी बार में डबल डबल खर्चा भी ना हो, लेकिन उतनी उपलब्धता एक साथ इतने बड़े देश में हो पाना के असेसमेंट के बाद संभव नहीं हो पाया। बट इट डज नॉट मीन कि हम देर लगाएंगे, हम तुरंत समय सीमा के अंदर चुनाव कराएंगे। तो हम ये मान के चले सर कि लोकसभा के चुनाव जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में ही चुनाव होंगे। हम बहुत सीरियसली ये कोशिश करेंगे, बहुत सीरियसली। अब वैसे भी सितंबर तक की समय सीमा तो है ही है, लेकिन हम बहुत जल्दी करेंगे कि हम करें, बहुत जल्दी करें, जिसमें यात्रा का भी ध्यान रखेंगे। सर, इस चुनाव में जो है अब पॉलिटिकल पार्टीज की आपने बात करी मर्यादा की, कि दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब हम कभी दोस्त हो तो शर्मिंदा ना हो। इस चुनाव के बाद आपका मैसेज पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या है? अच्छे से अच्छे वातावरण में स्वस्थ और स्वच्छ चुनाव लड़ें, एथिकल कैंपेनिंग करें, और सब अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने हिसाब से सबको शुभकामनाएं। हम उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करेंगे, ये हमारा काम। हम उन्हें सारी मशीनरी को बहुत स्ट्रांगली ताकीद किया है कि भाई भेदभाव किसी के साथ मत करना, कोई सा भी राज्य हो, हर राज्य में अलग अलग सरकारें हैं,
ऐसा तो है नहीं कि सब में एक ही जैसी सरकार है, सबके लिए एक ही समान बात है कि भाई आप अपने राज्य में, कहीं पर ऐसा भी है कि राज्य में और केंद्र में अलग अलग सरकारें हैं, कहीं पर एक जैसी सरकारें हैं, हर तरीके में है, तो सबको व्यवहार न्यूट्रल करना है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन का काम, इलेक्शन मशीनरी का काम सबके लिए समान रहे।